सभी को राम राम। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा भाई, एक पक्की नौकरी, रेगुलर भर्ती, पूरे प्रोसेस से टेस्ट क्लियर करके और ज्वाइन हो गए और 1.5-2 साल बाद उनको दोबारा से रिलीव किया जाता है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण मुझे कुछ नहीं लगता, लेकिन इनको छोटा 10-10 साल पुराने रिलीव कर दिए। और अब स्पीड देखियो इनकी रिलीव करने की, अभी ऑर्डर हुए हैं शाम तक सारा रिलीव कर देंगे। अरे ज्वाइनिंग की बात आवा है, तीन अफसरा ने, इन कर्मचारियों ने, प्रिंसिपल ने, इन अक्सर नहीं आता है। उस टाइम नहीं कहा, हमने पता ही नहीं कैसे होगा, रिलीविंग का पता है। ये एक ऑर्डर पास कर दिया है भाई, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी को भेज दिया है, रिगार्डिंग रिलीविंग ऑफ क्लर्क्स अपॉइंटेड अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 5/2019 कैटेगरी नंबर 1। यानी जो भर्ती का रिवाइज रिजल्ट हुआ है उनको रिलीव कर दिया है। हालांकि सबको रिलीव करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सबका नुकसान होगा। इसमें उपरोक्त विषय के संदर्भ में विषयांकन मामले में आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आपके जिले के अधीन विद्यालय पब्लिक कार्यालय में जिन लिपिकों की नियुक्ति एडवर्टाइज नंबर 5/2019 कैटेगरी नंबर 1 के तहत हुई थी, उन लिपिकों को तुरंत प्रभाव से रिलीव कर पालना रिपोर्ट निदेशालय में भिजवाएं। इन आदेशों की पालन दृढ़ता से मत लिखो, ये खुद दृढ़ता से कर देंगे पालन, इसकी चिंता मत करो। तो भाई ऐसा है, देखो जो क्लर्क अब रिलीव होंगे मेरे सामने उनको कोर्ट में जाना चाहिए रिलीविंग के खिलाफ, क्योंकि जो रिवाइज रिजल्ट में नहीं आए उनको तो रिलीव कर भी सके हैं, लेकिन उनके पास भी ऑप्शन है कोर्ट का। लेकिन जिनका दोबारा सिलेक्शन हो गया उनको रिलीव करने का क्या तुक बनता है? गलती HSSC की है, किसी कर्मचारी की नहीं है। तो आपको कोर्ट में ज़रूर जाना चाहिए अपनी रिलीविंग के खिलाफ, क्योंकि आपकी 1.5-2 साल की सीनियरिटी भी जागी इसमें, और बीच में घर बैठाओगे वो अलग से। तो आप लोग एक संगठन बना के केस ज़रूर करो, अब भी आपको रिलीव ना किया जाए ऐसे कैसे आपकी काउंसलिंग करके स्टेशन दे दिए जाएँ और ये स्टेशन मिल जाए आपने, और जिसको दूसरा लेना हो उसको दूसरे का ऑप्शन दे दो। मेरे हिसाब में तो ये ठीक रहा भाई, रिलीविंग का तो कोई तुकमणता नहीं है। बाकी भाई दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार रिलीव किया जा रहा है, हर जो 900,000 बच्चों की बिल्कुल ही जॉब चलेगी वो और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।